क्या चीज़ देख लिया मैंने, ऐसा मैंने इस सीरीज से उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन इसका ट्रेलर देखने के बाद मैंने सोचा कि इसका माल तगड़ा हो सकता है यार। इसके अंदर जो जो चीज़ें देखने के लिए मिली है तुम लोग उस चीज़ को देख के पागल हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन प्राइम के ऊपर फाइल आउट करके एक सीरीज आई है जिसको मैंने देख के खत्म कर ली। तो कैसी है सीरीज और क्या ये आपको देखनी चाहिए, इन सब चीज़ों को बात करने वाले हम लोग इस वाली वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोग को इस सीरीज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पूरी मिल सके। देखो इस सीरीज को देखने के लिए आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखना होगा। हर एपिसोड के लिए आप लोग को 45 से 1 घंटे देखने के मिल जाएगी। बात करें इसकी हिंदी डब की तो अमेजोन प्राइम के ऊपर आई, तो हिंदी डब काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। अगर साथ ही साथ बता दूं ये जो सीरीज है इसको पूरी तरीके से एंड नहीं किया गया, इस सीरीज का सीजन 2 आएगा। बात करें फैमिली साथ देखने की, अगर आप लोग हर सीरीज को फैमिली साथ देखते हो तो इस सीरीज को फैमिली साथ मत देखना। इसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा अडल्ट चीजें देखने को मिलेंगी, उसके साथ ही साथ ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी, मारा पीटी देखने को मिलेगी, खून खराबा भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए अपने फैमिली साथ इस सीरीज को मत देखना। दोस्त के साथ देखना चाहो, गर्लफ्रेंड के साथ देखना चाहो तो आराम से इस सीरीज का मजा उठा सकते हो तुम लोग। देखो अगर बात करें सीरीज की स्टोरी की तो एक ऐसी दुनिया में इस सीरीज की स्टोरी को रखा गया जहाँ पे भाई वार की वजह से दुनिया पूरी तबाह हो गई और जो लोग बचे हुए हैं वो एक शेल्टर बना के वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। उसी दौरान भाई कुछ लोग हैं जो ऊपर की दुनिया में रहते हैं और उनको भाई कुछ लोगों को वहाँ पे रेडिएशन का शिकार होने की वजह से भाई काफी कुछ चीजें उनको सहना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे स्टोरी की बात करें तो हम लोग को 3 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, एक हमारी लूसी, एक हमारा मैक्सन और एक हमारा गोल्ड का कैरेक्टर। तीनों ही कैरेक्टर जो है भाई तीनों की स्टोरी अलग अलग देखने को मिलती है हम लोगों के। यहाँ पर बात करें यहाँ पे लूसी की तो भाई वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलती है इस जर्नी पे, और यहाँ पे मैक्सन जो रहता है भाई वो एक अलग से जर्नी पे निकलता है, और जो यहाँ पे गोल्ड का कैरेक्टर रहता है ना भाई, इसकी भाई क्या बोल इसके बारे में, पूरी सीरीज में इसी बंदे ने मुझे ग्रिप करके रखा हुआ था। इसका कैरेक्टर भाई मेन लग रहा था मुझे, और इसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं देख के भाई मुझे डर भी लग रहा था कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि देख के भाई मेरे माइंड में यही चल रहा था भाई उसका चेहरा क्या चीज़ है यार, भाई इसका चेहरा क्या चीज़ है यार, जिस तरीके से उसको नाक उसको भाई ज़्यादा बताऊँगा नहीं तुम्हें यार। वो निकलता है एक ऐसी जर्नी पे निकलता है जो उसको मजेदार लगे, बस आप लोग को यही सब इस सीरीज में देखना होगा। देखो अगर बात करें रिलीज के ऊपर तो इस सीरीज ने मुझे एक ऐसी दुनिया एक्सपीरियंस कराई जिसको मैंने पहले नहीं देखा था। अगर आप लोग को एक ऐसी सीरीज देखनी है जिसके अंदर एक ऐसी दुनिया हो जिसको देखने के बाद आप लोग माइंड लेके बैठे कि क्या ही दुनिया है यार, ये चीज़ तो हमें पहले देखना चाहिए था, अगर आप लोग ऐसी सीरीज देखें तो आप लोग को ये सीरीज भाई चेकआउट करनी चाहिए। बात करें इस सीरीज के कैरेक्टर की तो इसके अंदर आप लोग को अच्छे खासे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हल्की फुल्की कॉमेडी डाली गई है। आप लोग को हर एक सीरीज में कॉमेडी आप लोग के चेहरे पर बनी रहती है, उतनी ज़्यादा कॉमेडी नहीं है, हाँ एक मुस्कुराहट आप लोग के चेहरे के ऊपर बनी रहती है। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे जो कैरेक्टर है उन लोगों के बीच में लव स्टोरी भी देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का काम करती है लव स्टोरी के बीच में भी, लेकिन उसी दौरान जो कैरेक्टर के डेवलपमेंट है बाकी जो कैरेक्टर है उनके बीच हम लोग को ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर हैं, 3 तिगड़ काम बिगड़ वाले, इनका जब भाई चांद चलता है, इनकी जब जर्नी चलती है तो पूरा मजा लेते हैं इस सीरीज का, क्योंकि मेन यही कैरेक्टर है और मेन यही लोग हम लोग को बांध के रखते हैं, खासकर गोल का कैरेक्टर। भाई इस बंदे पे बहुत मजा आता है मुझे भाई, जब ये स्क्रीन के ऊपर तो हॉरर एलिमेंट लेके आता है अपने चेहरे के ऊपर। अब भाई बहुत मजा आया, तुम लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि भाई इसका चेहरा क्या है, तुम भी देखोगे तुम्हें मजा आएगा इस सीरीज को। देखो अगर बात करें इस सीरीज के एंडिंग की तो इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इसकी एंडिंग ऐसी जगह एंड की गई जहाँ इसको लगता है कि हाँ भाई सीजन 2 इसका आएगा। साथ ही साथ बात करें सीरीज की कमियों की, देखो हर सीरीज में कमियां काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं इस सीरीज की कमियां नहीं गिनाऊँ तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कमियां गिनाने लगा तो भाई सीरीज का मज़ा नहीं होता। कुछ सीरीज ऐसी होती है जिनकी कमियां को हम लोग नज़रअंदाज करके उस सीरीज का मज़ा उठाएं, वो इसी सीरीज में से आती है, मतलब इनकी कमियों को हम लोग अनदेखा कर रहे तब भी चलेगा, क्योंकि भाई हाँ एक चीज़ बोलूँगा हल्की फुल्की जो इसकी लेंथ है वो फील होती है बस, और थोड़ा हल्का जो और कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई इनको नहीं रखना चाहिए तो काफ़ी अच्छा होता, ऐसी ऐसी जगह पे आप लोग को हल्का फुल्का फील आएगा। लेकिन भाई ट्रस्ट मी ये सीरीज को एक बार चेकआउट करोगे तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर देखना है तो अमेजोन प्राइम के ऊपर तुम लोग को हिंदी में देखने के मिल जाएगी। अगर बात करें इस सीरीज को रेट करें तो प्रोसलिन मैं इस सीरीज को 8.5 की रेट करूँगा आउट ऑफ 10 में से, सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक बार चेकआउट करो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा देगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते रहे किसी और वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर।